गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को फिजिक्स 12th क्लास 13 चैप्टर नाभिक से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को हम बता रहे हैं। जो परीक्षा में एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में जो आते हैं, है ना, वो खास कर यदि एमपी बोर्ड की बात करें तो उसमें 28 नंबर के क्वेश्चन एक एक नंबर वाले ही आते हैं। तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है, चाहे वो फिल इन दी ब्लैंक्स में हो, एमसीक्यू में हो, वन वर्ड में हो, मैच दी कॉलम में हो, तो उनसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं यानी उस चैप्टर से, वो है आज। ठीक है, तो स्टार्ट से लास्ट तक यदि आप पढ़ेंगे तो उससे कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा कि उसके बाहर का आएगा बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो चैप्टर जो है वो 13 है नाभिक, चैप्टर 13 नाभिक। ठीक, इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब ऑब्जेक्टिव टाइप। और तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए जो हम बताएंगे उनका तो कुछ तो ऐसे डायरेक्ट आंसर रहेंगे, कुछ ऐसे हैं जो ट्रिक से रहेंगे, कुछ ऐसे हैं किसी फार्मूला बेस्ड, जैसा भी रहेगा। ठीक है ना, तो वो हम कम से इसको यदि आप स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे तो इससे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और इस समय आप लोगों को बता दें, चैनल को यदि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो एग्जाम की दृष्टि से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी चैप्टर का हो, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन किससे आ सकते हैं, तो उसका वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक, परमाणु भार क्या होता है ना। तो किसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। किसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या यानी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, है ना। इसको जेड से प्रदर्शित किया जाता है, किससे, जेड से। और प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु भार यानी इसी को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। यानी ये आप कह सकते हो किसी तत्व के संकेत को एक्स जेड ए द्वारा दर्शाया जाता है, जहां एक्स तत्व का नाम ए परमाणु भार, अजेड परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये होता है। ठीक है ना, और जितना प्रोटॉनों की संख्या होती है उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है नाभिक में। ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर न्यूक्लियॉन कहलाते हैं।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के क्या कहलाता है? न्यूक्लियॉन कहलाते हैं, ठीक है ना। ये फिर इसमें आ जाता है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, कार्बन की, कार्बन की एक परमाणु के द्रव्यमान का बारहवां भाग, कार्बन की एक परमाणु के द्रव्यमान का बारहवां भाग क्या कहलाता है? एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक, कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का बारहवां भाग एक एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU, कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का बारहवां भाग एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है, जहां एक AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻²⁷ kg। ठीक, ये बता दें AMU और MeV में संबंध, एक AMU बराबर 931 MeV, कहीं कहीं ये लिखा रहता है, कहीं कहीं ये लिखा रहता है कि एक AMU बराबर 931.5 MeV, है ना। किसी किसी बुक में ये लिखा हुआ है, किसी किसी में ये भी लिखा है, जानते रहिए। एक AMU बराबर 931 MeV, एक AMU बराबर 931.5, कुछ बुक में ये लिखा है, कुछ में ये लिखा है ना। तो ये वैसे NCERT में शायद ये लिखा हुआ है, पर कुछ बुक में ये भी पाया जाता है। तो एक AMU बराबर इतना। फिर ये बता दें द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर क्या होता है? MC²। इसी से एक ग्राम द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा, जैसे द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर MC²। M का मान यदि हम एक ग्राम ले लें, M का मान कितना ले लें? एक ग्राम ले लें, और C का मान जानते हैं प्रकाश की चाल है, तो इसको जब रखेंगे तो एक ग्राम द्रव्यमान के तुल ऊर्जा जो आएगी 9 × 10⁻³⁷ जूल, ठीक है ना। यम का मान रख देंगे एक ग्राम, एक ग्राम मतलब 10⁻³ किलोग्राम SI में, और यानी इसी का मान रख देंगे, है ना। ये कैसे आएगा? यम का मान एक ग्राम दिया है ना, तो ये 10⁻³, और सी का मान 3 × 10⁸, तो ई बराबर 1 × 10⁻³ × 3 × 10⁸ का स्क्वायर करेंगे तो ये 10⁻³ और 9 × 10⁻⁙ 16, 16 में 3 निकल जाएगा तो 9 × 10⁻³ आ तो रहा है ये, ठीक है ना। तो ये एक ग्राम द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा इतनी होगी, ठीक है। नौवां नंबर, अब इसमें ये बता दें समस्थानिक, समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, इसका अलग से वीडियो बना हुआ है, वैसे भी देख सकोगे, फिर भी यहाँ पर हम लिखे देते हैं कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु
जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। ध्यान देना, ये खाली स्थान में पूछ सकता है। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। इनका उदाहरण डिटेल में पढ़ना हो तो पीछे उसका लेक्चर में देख सकते हैं, उसका टॉप वीडियो बना हुआ है। दो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो किंतु परमाणु भार समान हो, समभारिक कहलाते हैं। ध्यान देना, संभारिक, इसका भी डिटेल पीछे टॉपिक में आप वीडियो में पढ़ सकते हैं। और दो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका जिनके परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या वही है। दो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, क्या हो? भिन्न भिन्न हो किंतु उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ध्यान रखना इसको भी, ठीक है ना, इसका भी डिटेल। इन सब का डिटेल के लिए आप पीछे लेक्चर में समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक, समभारिक का वीडियो बना है, उसको आप देख सकते हो। इसके बाद नाभिकीय बल क्या होता है, यानी नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों के बीच लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों के बीच मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच। नाभिक परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉनों के बीच या न्यूट्रॉनों के बीच या प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के बीच, है ना, उन लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है ना। यानी नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों के बीच लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। ये बता दें
जो नाभिकीय बल है, नाभिकीय बल विद्युत बल नहीं है। विद्युत बल मतलब कूलाम का नियम वाला है ना, नाभिकीय बल विद्युत बल नहीं है। नाभिकीय बल अत्यंत शक्तिशाली होता है। नाभिकीय बल लघु परिसर बल है, 10^-15 मीटर से कम दूरी पर लगता है, ये ध्यान रखना। नाभिकीय बल जो है लघु परिसर बल है। केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। ये बता दें, नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं होता, आवेश पर निर्भर नहीं होता है। नाभिकीय बल विद्युत बल से लगभग 100 गुना होता है। और ये नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10^39 गुना होता है। ठीक है ना, ये जो बल होता है नाभिकीय बल, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सब के बीच लगने वाला बल समान होता है, क्योंकि आवेश पर निर्भर होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गया ये नाभिकीय बल के बारे में। ठीक, अब नाभिक की त्रिज्या उसके द्रव्यमान संख्या के घनमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। नाभिक की त्रिज्या उसके द्रव्यमान संख्या के घनमूल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात ऐसा बोल रहे हैं, आर प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3। ए द्रव्यमान संख्या, ए क्या है, द्रव्यमान संख्या, आर प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3। इसी को देखिए, ये आपको बता दें, ये मान लो नाभिक है, क्या है, नाभिक, और इसकी त्रिज्या r है, क्या है, ये नाभिक। ठीक है ना, और इसकी त्रिज्या क्या है, r, और द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या a, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल s, आयतन भी है। ठीक है ना,
एक नाभिक की त्रिज्या आर है, द्रव्यमान संख्या ये है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यस है, आयतन भी है। तो ये आपको बता दें कि यहाँ क्या क्या होता है। आर प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3 होता है, यस प्रोपोर्शनल ए की पावर 2/3 होता है, और भी प्रोपोर्शनल ए होता है। ठीक है ना। त्रिज्या जो है इस प्रकार संबंधित, पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार से, आयतन इस प्रकार से, याद रखना। ये ए क्या है, क्षेत्रफल नहीं है, द्रव्यमान संख्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है ना। तो आप ये समझ लो, नाभिक की त्रिज्या, ये नाभिक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नाभिक का आयतन, ये नाभिक की त्रिज्या हो गया। ठीक है ना। नाभिक का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये नाभिक का आयतन भी प्रोपोर्शनल ही है। ठीक है ना, इनको जरूर याद रखिएगा। ठीक। इसके बाद न्यूक्लियनों को नाभिक के अंदर बांधे और रखने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। न्यूक्लियनों को नाभिक के अंदर बांधे रखने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है, या न्यूक्लियनों को अलग अलग करने पर जो ऊर्जा के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ध्यान दीजिएगा। यानी नाभिक में न्यूक्लियन को इकट्ठा बांधने पर जो ऊर्जा मुक्त होती, इकट्ठा करने से, न्यूक्लियनों को नाभिक के अंदर एक साथ रखने से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको कहते हैं बंधन ऊर्जा। या न्यूक्लियन जो एक साथ नाभिक में बांधे होते हैं उनको अलग अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको भी बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। और बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के अनुपात को बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिक होने पर वह अधिक स्थायी होता है। नाभिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिक होने पर वह अधिक स्थायी होता है। ठीक है ना। तथा कम होने पर अस्थायी होता है। ठीक। ये यूरेनियम इसका उदाहरण है, और स्थायी होता है इसका उदाहरण है ये Fe।
कम वाले का, कम वाले का जो है यूरेनियम है, अधिक वाले का एफ ई है, ठीक है ना। हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, तो ऊर्जा मुक्त होती है। हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है। यह क्रिया नाभ की संलयन कहलाती है, ठीक। भारी नाभिक जब हल्के नाभिकों में टूटते हैं तो इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें भी ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक। भारी नाभिक जब हल्के नाभिकों में टूटते हैं तो इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें भी ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है ना। न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं, जब भारी नाभिक में न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। इसका भी डिटेल आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। पीछे वीडियो बना हुआ है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है ना। ये संलयन क्रिया उच्च तापदाब पर संभव है। संलयन की क्रिया उच्च ताप व दाब पर ही संभव है। ठीक, संलयन क्रिया उच्च ताप व दाब पर ही संभव है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम की तुलना में अधिक विनाशकारी होता है। क्योंकि हाइड्रोजन बम परमाणु बम की तुलना में अधिक विनाशकारी या घातक होता है, क्योंकि उसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है।
ठीक है ना। तो ये जो आप लोगों को नाभिक से, नाभिक में तो बहुत वैसे टॉपिक हैं, लेकिन हमने आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बताया है वो केवल 2023 की बोर्ड एग्जाम के सिलेबस के आधार पर है ना, बोर्ड क्लास के सिलेबस के अनुसार है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के लिए सिलेबस में बहुत कुछ है, लेकिन 2023 की सिलेबस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सिलेबस को कट कर दिया गया है, तो उसके आधार पर ये केवल हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात किया है ना। वैसे 13 चैप्टर का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन फिलहाल इस वर्ष सिलेबस में एग्जाम, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सिलेबस कट कर दिया गया है, इसलिए हमने उसमें उसके अकॉर्डिंग बताया है, ठीक है ना। नहीं उसमें अभी रेडियो एक्टिविटी है, अल्फा बीटा गामा डी के है ना, और अर्धा इक्वल है, और औसत आयु है, तो ये सब कुछ उसका वीडियो अलग से हमने कंपटीशन के लिए अलग से हम बना देंगे, तो आप उसको भी देख सकोगे। लेकिन फिलहाल ये जो अभी बताया गया है वो जो बोर्ड एग्जाम में 2023 के लिए सिलेबस डिसाइड है उसके बेस पर ये है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस प्रकार से नए क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से जो भी बताए जाएंगे वो आपको तक पहुँच जाएंगे। थैंक यू।